गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और ये है आलू सेब की सब्जी जो बनी हुई है, बन गई है, और इधर बन रहा है मैगी। 2 मिनट रुक सकते हैं। तो इधर बन रहा है मैगी बच्चों के लिए, और ये सब्जी, और बनाएंगे रोटी अपने लिए। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम साईराम सौम्या में। और दिवाली बीत गई है, आज छठ का कद्दू भात है, जो हम लोग नहीं जा पाए हैं घर पे, बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, कोरोना काल है। तो ये बहुत बेकार है, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। घर पे छठ होता है, हमारे घर पे छठ होता है, और देख रहे हैं ठंडी का समय शुरू हो गया, इसलिए स्टॉल मैंने डाला हुआ है। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, पराठा पूरी बहुत हो गया है छठ ये दिवाली में लेके, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और ये नाश्ता हम लोग के लिए, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता वास्ता हो गया, अभी मैं बना रही हूँ आलू पालक मटर का दम, जो 2 दम आलू पालक मटर है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने आलू को तल लिया है, उसके बाद मसाले भुने हैं, उसके बाद पालक डाल रही हूँ, और उसके बाद डालूँगी मटर। तो बहुत अच्छा लगता है सब्जियों को, मतलब मसालों को अच्छे से भून के तब इसमें डालते हैं। और मैं कुकर में बना रही हूँ, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर का स्वाद जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट से ये लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ, जो डिनर में भी हो जाएगा, सब्जी ज़्यादा है, तो चलिए बना लेते हैं। तो इसमें मसाले भून गए हैं, और पालक में से पानी आ गया है, और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आलू बिल्कुल गोल गोल ही है, और जब ये पक जाएगी तब इसे हम लोग तोड़ेंगे। आलू फ्राई किया हुआ है, खूब अच्छे से फ्राई करके मैंने इसमें डाला है, और जो फ्राई किया हुआ आलू होता है उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है। और मटर मैं ये सफल मटर ले रही हूँ, जो साथ ही मसालों के साथ मैंने नहीं भुना है, अभी मैं कुकर को बंद करूँगी तो मैंने अभी मटर डाला, उनको पहले ही डाल देंगे तो वो मटर गल जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से सब्जी। तो ये देखिए पालक आलू का जो सब्जी है, पालक आलू मटर की जब सब्जी है वो तैयार ही नहीं है, इसमें से हम लोग खा भी लिए हैं, और मुझे याद नहीं था कि मैं इसे डालूँ भी वीडियो में। तो ये मेरा सब्जी है, बहुत टेस्टी, आप देखने से लग रहा होगा ना कितना टेस्टी लग रहा है, उतना ही टेस्टी खाने में भी लग रहा है। और ये टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिया पत्ता, हरी मिर्च, सबका चटनी है। तो ये हमारी सब्जी रेडी है, रेडी ही नहीं है, खा लिए हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग के बाद अचानक गुड इवनिंग, क्योंकि दिन भर भूल भी जाती हूँ मैं कि वीडियो बनाने हैं। और खाना वाना सब मैंने खा लिया, और मैं अभी आपको सब्जी मैंने जो दिखाया है वो बचा हुआ सब्जी है, तो ये रात में खाना हो जाएगा हम लोग का। और चटनी, धनिया पत्ते की चटनी, और ये जो टी शर्ट देख रहे हैं, ये टी शर्ट मेरे बच्चे का है, मेरे बेटे का है एक्चुअली। एक साइड तो अंकित उठ गया है अभी सो के, शाम हो गया है, शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैंने आपको जो सब्ज़ी दिखाया है इसमें वो सब्जी बची हुई है। खाना पीना हम लोग का हो गया कप का, और मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, क्योंकि अभी नाइट ड्यूटी चल रही है उनकी, तो ड्यूटी का। ये कपड़ा जो है मैंने बताया मेरे बेटे का है, क्योंकि उसका 1-2 साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं तो मेरे में आ जाता है। और हाइट जो है उसकी हाइट जो है ऑलमोस्ट सेम हो गई है मेरी और मेरे बेटे की, तो
कट जाता है, आ जाता है मेरे में भी, और ये अच्छा लगता है देखने में। टी शर्ट गर्म टी शर्ट है ये, तो मुझे ठंडी लग रही थी ऐसे भी, तो मैंने उसका टी शर्ट पहन लिया है तो हो जाता है। और ये शाम हो गई है, अभी मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। और ये देखिए क्या हालत आँख की हुई है। तो मैं घर में रह के कुछ भी मेकअप करना पसंद नहीं करती, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ लिप बाम लगाया है और कुछ नहीं, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ। और दिवाली तो बहुत अच्छे से बीत गई ना, लेकिन मेरी दिवाली थोड़ी सी तबीयत ख़राब में बीती है। चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, तो चलिए कॉफ़ी बना देते हैं। अच्छी लग रही है ना टी शर्ट, अच्छी लगती है मुझे रेड कलर टी शर्ट। रेड कलर वैसे मुझे पसंद नहीं उतना, लेकिन अच्छी लग रही है मेरे ऊपर, तो चलिए कॉफ़ी बना लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ने लाया है ग्रीन टी का पैकेट, तो ये देखिए ये जो सभी क्या आती होगी मेरे यहाँ, मेरे मतलब अपने लिए हम लोग पहली बार लेके आ रहे हैं। ससुराल में लोग पीते हैं, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, मेरी माँ, मेरे भाई लोग पीते हैं ये चाय, लेकिन हम लोग नहीं पीते। तो लेके आई हूँ मैं, मैंने ये लेके आया, देखते हैं कैसा टेस्ट रखता है। एज़ पर टेस्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर नहीं पियेंगे, क्योंकि बहुत गंदा लगेगा तो नहीं पी पाएंगे। और मैं बना ली भी कॉफ़ी, मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं पीना है, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। और मेरे कप जो है ना, वो कॉफ़ी मग नहीं है, वो कप है जो इमोजी वाला जो होता है ना, वो कॉफ़ी मग नहीं है, मेरा कप है। तो वो बहुत लोग को पसंद आया है, और वो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है। पता है वो अमेजोन पे मैंने उसको देखा था, तो आई थिंक 300 to 400 का बताया था, और मैंने लिया है 180 में कप, डब्बे में, खुला भी नहीं डब्बे में लिया है मैंने। तो वो बहुत सुंदर कप है, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद था इमोजी वाला, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कॉफ़ी जो है ना, वो कैपेचिनो वाला नहीं बनाने वाली, मैं सिंपल सी कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि उतना मेहनत अभी नहीं होगा मुझसे। तो दूध में डाल देते हैं चीनी, चीनी दूध खोल जाएगा तो हम लोग पियेंगे कॉफ़ी। सो कॉफ़ी का जो है ना माला, ये सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है कॉफ़ी का इयर रिंग। आजकल कुछ भी पहन लो जब सब फैशन हो जाता है। तो इससे पहले ये महाराज जो ऊपर तक आ जाएं, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से खोला लेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा झाग हो जाता है ना तो अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और चाय पीते पीते मेरा समय हो जाएगा, क्योंकि आते हैं ये तो उनके साथ चाय पीते हैं, या फिर उनका इंतज़ार करते करते 7:30 बज जाता है, तो तब मैं चाय पी लेती हूँ, बहुत लेट होता है। तो अभी मैं पी ले रही हूँ कॉफ़ी, चलिए पी ले। थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम साई राम, सबका भला करेंगे, लेकिन आपको कॉफ़ी पिला के ही बाय बाय करूँगी। चलिए कॉफ़ी बना लेते हैं, और आज मैं कॉफ़ी बनाऊंगी इसमें, ये जो है ना, ये वाली स्टील के ग्लास, दो स्टील के ग्लास मैंने लाया था धनतेरस में, मेरे यहाँ धनतेरस में ये ग्लास आई हुई है, तो इसी में बनाऊंगी कॉफ़ी। इसमें अच्छा लगता है देखने में, छुटकू सा ग्लास है और मज़ा आता है इसमें पीने में। साउथ के लोग ग्लास में ही पीते हैं कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी। चलिए बनाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो हार्ट शेप डालते डालते ये एस बन गया, निकल गया। तो ये हमारी एस को सौम्या, तो एस को साइना, एस को सौम्या, हो गया हमारा कॉफ़ी तैयार।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बेस्ट कॉफी ये रही। ये देख रहा ना, चलिए मेरी कॉफी बन गई है। कॉफी बना के मैंने यहाँ पर रख दिया, बर्तन यहाँ पर है, इसमें मैं चाय बना लूंगी बाद में। इसे ढक देती हूँ, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, चाय मैं बाद में बनाऊंगी, इसको ढक देती हूँ। और ये मेरी कॉफी तैयार है, बहुत टेस्टी सी। सो वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो और जिन्होंने शेयर सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आ रहे हैं या फिर जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें गलतफहमी है कि मैंने अनसब्सक्राइब किया। तो मैंने किसी को अनसब नहीं किया है, विश्वास कर ली सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर आपने अनसब कर लिया है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और कॉफ़ी पी लीजिए। सुपर यमी। मुझे कॉफ़ी चाय से ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। तो चलिए बाहर का नज़ारा अच्छा है। और आज नहाए खाए का दिन है, मेरी माँ ने भी छठ किया हुआ है पटना में, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। मैं अपने ससुराल भी नहीं जा पा रही हूँ ये कोरोना के चलते। ये कोरोना ने मुझे बर्बाद किया हुआ है। कितना मज़ा आता है मुझे घर जाने में, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पा रही। मैं यहीं पर रहेगी। और सब जगह छठ हो रहा है, जिनके यहाँ छठ होता है उनको बहुत दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो क्या कर सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हो सकता है कोरोना चले जाए, मन भर जाए उनका रहते रहते यहाँ तो चले जाए। चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं फिलहाल। सो रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम सबका भला करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो वीडियो वॉच करते हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए प्लीज़। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब्स और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शेयर करने लायक हो तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सो बाय एंड टेक केयर। ये कॉफ़ी आपके लिए नहीं, जूठी कॉफ़ी आपके लिए ना। अब मैंने आपको पहले कॉफ़ी दे दी है तो ये हम लोग अब मैं अपने लिए पी रही हूँ। यमी यमी। बाय। ओम साई राम सबका भला करेंगे। सो बाय एंड साई राम एंड राधे राधे। दिखाती हूँ वापस, ये देखिए हमारी कितने ठंड हो गई है कि कंबल जो है मोटा वाला कंबल है वो है, और बापू सो रही है। और देख लीजिए कपड़े, क्योंकि धूप बाहर नहीं हुए थे तो कपड़ों को मुझे घर में ही डालना हुआ, डालना पड़ा घर में। और एक चीज़ और मैंने जो बनाया था ना, ये देखिए इसे मुझे फिर से कलर करना है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर वापस मैं रीयूज़ कर लेती हूँ चीज़ों को, वेस्ट नहीं करने का मन नहीं करता है। और ये मैं अंधेरे में आ गई, ये है हमारे भगवान जी। और टीवी देख रहा है। और आजकल मैं सब्जियों को इस तरह से करके रखती हूँ, ये अंधेरा अंधेरा क्यों देख रहा है, तो सही रहेगा। तो ऐसे होते हैं ना सब्जियाँ, गलती नहीं है, सूख जाएंगी लेकिन गलेंगी नहीं। और बाहर कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आंगन में हूँ, आंगन में प्लांट्स को देख रही हूँ, छोटे छोटे जो मेथी का पौधा निकला हुआ है, और फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता है, सरसों का फूल है और सरसों है, और बस थोड़ा थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने लगाई है।